Hey guys, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेप प्रिंटिंग के बारे में। पिरामिड टाइप के शेप्स अब हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। और उसी क्रम में ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं, और इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ ऐसा शेप क्या करना हो, प्रिंट करना हो, तो इस शेप को आप कैसे प्रिंट करेंगे यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग। अभी देखिए इसमें क्या है, मैंने ये फिक्स कर दिया कि 5 रोज ही हमें प्रिंट करना है। अगर आप चाहें तो रोज की संख्या जो है वो n में लेके, और n अगर 5 है, यूजर कहता है 5 तो 5 रोज प्रिंट करेंगे, यूजर कहता है 6 तो 6 रोज प्रिंट करेंगे, और ऐसे ही जितना भी रोज कहे उसकी संख्या n में लेके आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम इस शेप पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो मतलब ऑब्वियसली बात है इस टाइप का ये सबसे पहला प्रोग्राम है, तो इसको हम y से भी बनाएंगे और for से भी बनाएंगे, दोनों तरीकों से बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा लाइन क्या होगा, ऑब्वियसली बात है हैश इंक्लूड iostream.h, राइट, ये मेरा हेडर फाइल हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा int main। अब देखिए अगर n को आप शामिल करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज को देना पड़े, तो अगर n 5 है तो फिर ये शेप प्रिंट होगी, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं, क्यों ना प्रॉपर ही प्रोग्राम लिख लें। इसी टाइप का हम एक n लेते हैं और यहां क्या करते हैं cout/n enter number of rows, यानी मैं यहां क्या मांग रहा हूं, नंबर ऑफ रोज को मांग रहा हूं। तो जितना भी नंबर ऑफ रोज यूजर देगा, अगर 5 दिया तो हम यहां पे इस तरीके का शेप प्रिंट करेंगे, 6 होगा तो अगला एक लाइन बनेगा जिसमें 6 स्टार्स होंगे, और मैं उसको कहां कर लूंगा, n में क्या कर लूंगा, रीड कर लूंगा। तो ये हो गया मेरा क्या n का कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, n में सपोज कीजिए यूजर ने 5 दिया, तो ये रहा मेरा n और यहां क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। होता क्या है, हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जो टोटल ये काउंट करे कि कितने लाइंस हमने प्रिंट कर लिए। जैसे ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है और ये पांचवा लाइन है। तो एक वेरिएबल तो हमें चाहिए होगा जो हमें ये बताए कि कितने लाइंस को हमने प्रिंट कर लिया, क्योंकि अगर n में 5 है तो हमें 5 लाइंस ही प्रिंट करने थे। तो एक वेरिएबल हम वो लेंगे जो हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस बता दे कि आप कितने नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और एक वेरिएबल हमें ये चाहिए जो ये बताएगा कि अच्छा पहले लाइन में है तो कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 1 स्टार प्रिंट करने हैं, दूसरे लाइन में कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 2 करने हैं, तीसरे में 3 करने हैं, चौथे में 4 और पांचवे में 5 स्टार प्रिंट करने हैं। स्टार की संख्या हमें बताएगा कि कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। तो मान लीजिए उसके लिए जो हम वेरिएबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, जे लेते हैं। तो अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, जब तक कि अब एक आई नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और आई कितना सेट कर देंगे 1 पे। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर लिखना तो ठीक है, यहाँ पे आई सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, उसको इनिशियलाइज कीजिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ इनिशियलाइजेशन हो गया। और यहाँ आप क्या लूप लगाएंगे, वाइल जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन है तब तक। तो आई में कितना है, आई में ऑब्वियसली बात है अभी हमने कितना सेट किया 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब आप अब इतना तो आप लूप समझ ही गए होंगे कि ये 1 से लेके 5 तक चल रहा है, यानी 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए चल रहा है। अब इसके अंदर आते ही आप क्या करेंगे, जे नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसको 1 पे सेट करेंगे, तो यहाँ पे जे नाम का वेरिएबल लेना होगा। और आप लूप क्या लगाएंगे, व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि अगर आई 1 है, देखिए अगर रो नंबर 1 पे है तो यही स्टार प्रिंट करना है, रो नंबर 2 पे है तो 2 ही स्टार प्रिंट करना है, यानी कि जितना आई है उतना ही स्टार भी चल रहा है। तो यानी इसलिए मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे सी आउट किसको, स्टार को, ठीक है, सी आउट क्या करेंगे, स्टार को। और उसके बाद ये देखिए डबल कोट्स है, ये दिस इज डबल कोट्स, ठीक है, स्टार को प्रिंट कर दिया। और जे को क्या करेंगे, एक से इंक्रीज करेंगे, जे इक्वल टू जे प्लस 1। अब ये लूप जब बंद होगा, ठीक है, लूप के बंद होने के बाद, अब देखिए जब हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आ रहे हैं तो हमें नया लाइन चाहिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सी आउट और क्या कर देंगे लूप के बाद स्लैश एन, ताकि एक स्लैश एन हो, और फिर हम क्या करेंगे आई को इंक्रीज कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1, दैट्स इट। यहां से क्या कर देंगे, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और यहां लगा देंगे सेमीकोलन, हो गया। ये प्रोग्राम आप रन करके देखिए तो आपको ये आउटपुट आएगा। अब आपको लेकिन समझना है कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको ठीक इसके पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने बताया है कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। चलिए यहां पे भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जीक्यूशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो देखिए हमने एंड में मान लीजिए यूजर ने
5 दे दिया, ठीक है। आई में आपने कितना सेट कर दिया, 1। आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, 1 इज लेस देन 5 है, बिल्कुल है। जे को 1 पे सेट किया, कर दिया। जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, 1 इज लेस देन, तो आई नहीं लेकिन इक्वल टू लगा हुआ इसलिए ठीक है, स्टार प्रिंट कर देगा। चलिए स्टार प्रिंट कर दिया। जे को बढ़ाया, 2 हो गया। अब जब ये यहां से ऊपर जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, जे में कितना है, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, 2 जो है वो 1 से छोटा है, नहीं बराबर है, नहीं। तो यहां से लेके यहां तक का लूप टर्मिनेट, सी आउट स्लैश एन, स्लैश एन से बस आपका कर्सर जो है वो, मतलब जो पॉइंटर है, मतलब जो प्रिंट करता है, प्रिंट कर्सर जो है, जो फाइनली आउटपुट आपको दिखाता है, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद आई को एक से इंक्रीज किया आपने, आई कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये नेस्टेड लूप है, तो ये अब अपने पैरेंट लूप पे यहां गया। आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 2, 5 से छोटा है, बिल्कुल है। फिर से जे चाहे जो कुछ भी था 1 हो गया, चलिए जे 1 हो गया। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई है, 1 इज लेस देन 2 है, बिल्कुल है, स्टार प्रिंट कर दो, कर दिया। जे को बढ़ाओ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये अभी अपने छोटे वाले लूप पे, नीचे वाले लूप पे जाएगा। जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, तो जे लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, 2 इज इक्वल टू 2 है, तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा, कर दिया। जे को बढ़ाएगा, जे कितना हो गया, 3। अब जब ये ऊपर जाएगा, जे छोटा है आई से, 3 जो है छोटा है 2 से, नहीं 3 जो है बराबर 2 के, नहीं। तो यहां से लेके यहां तक खत्म लूप, सी आउट स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन में आपका आ गया फाइनल, मतलब जो अगली लाइन प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। और फिर से आई को एक से इंक्रीज किया गया, आई कितना हो गया, 3। यहां से अगर फिर से हम ऊपर जाते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, परफेक्ट, 3 5 से छोटा है। फिर से जे चाहे जो कुछ भी था 1 हो गया, 1 इज, जे इज लेस देन आई, तो जे में कितना है, 1, 1 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही है, स्टार प्रिंट कर दो, कर दिया। जे को बढ़ाओ, 2 हो गया। ऊपर जाके फिर से कंडीशन चेक करो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, जे में कितना है, 2, 2 इज लेस देन 3 है, जे बिल्कुल है, स्टार प्रिंट कर दो, कर दिया। आई को बढ़ाओ, आई कितना हो गया, नॉट सॉरी आई नहीं, जे को बढ़ाओ, जे कितना हो गया, 3 हो गया। यहां से ऊपर गया, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे में कितना है, 3, 3 लेस देन 3, नहीं इक्वल टू, हां इक्वल टू है। फिर से क्या कर दो, स्टार को प्रिंट कर दो, कर दिया। जे को बढ़ाओ, 4। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू आई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं, लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम पैटर्न जा रहा है, 1, 2, 3 ऐसे ही आगे बढ़ेगा। मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा करता हूं एग्जीक्यूशन, अगर मैंने इसको 3 कर दिया था, तो अब जब यहां सी आउट स्लैश एन होगा, यहां पे आया और आई को बढ़ाएगा, तो आई कितना हो गया, 4, और यहां से जब ये ऊपर जाएगा, 4 इज लेस देन एन, 4 इज लेस देन 3, नहीं इक्वल टू है, 4 इज इक्वल टू 3, नहीं। यहां से लेके यहां तक का सारा काम खत्म, रिटर्न 0 मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो अगर मैंने एन में 3 दिया था, तो ऑब्वियसली बात है मुझे यही तो शेप चाहिए था, है ना, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब यही सेम प्रोग्राम आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, फॉर में। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो आपका वाइल लूप आपने, मैंने बताया, उसी वाइल लूप को आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, फॉर में। कैसे, तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, आपको क्लियरली बताता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। या मैं पूरा प्रोग्राम ही लिखूं, चलिए लिख देता हूं, वरना बच्चे गलती करते हैं और फिर बोलते हैं सर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, एरर है, कोड गलत है, बहुत तरह की बातें आती है। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, 2 मिनट लगेगा मुझे पता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे भगा सकते हैं एंड एन, लेकिन उनके लिए फिर अच्छा हो जाएगा जो बिल्कुल फॉर लूप से भी पूरा पूरा प्रोग्राम चाहते हैं, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिखूंगा, एंटर नंबर ऑफ व्हाट, रोज, और उसको मैं कहां रीड कर लूंगा, एन में, ठीक है। आई, अब देखिए अब यहां पे हम लूप लगा देंगे, आई का लूप लगाइए, फॉर आई इक्वल टू 1, आई 1 से शुरू होगा, ये कंडीशन है, आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन, ठीक है, और इंक्रीमेंट क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो अगर आपको वाइल से प्रोग्राम लिखना आता है, तो फॉर से आप खुद ब खुद लिखें, ठीक है। अब इसके अंदर जे वाला लूप है, तो यहां क्या करेंगे, फॉर जे इक्वल टू 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये क्या हो गया कंडीशन, और जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर बस, इसके अंदर क्या बचता है, एक ही स्टेटमेंट बचता है ना, ये वाला सी आउट स्टार, यहां मैं इसलिए कर्ली ब्रेसेस नहीं दे रहा, सी आउट स्टार। अब मैंने ये वाला कर्ली ब्रेसेस इसलिए दिया है क्योंकि इसी वाइल लूप के अंदर एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, जो है सी आउट स्लैश एन, ये वाला स्टेटमेंट हमें देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैंने, देखिए ये इस फॉर के साथ ये एसोसिएटेड है, सिर्फ ये काम करने के बाद, जैसे ही ये लूप, ये वाला लूप टूटेगा,
हमारा यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक सी आउट डाल दूंगा किसको, स्लैश एन को, ताकि हर बार नए लाइन में आ जाए। इसीलिए मुझे ये करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना पड़ा, क्योंकि इस आई के साथ ये फॉर लूप भी है और ये सी आउट स्टेटमेंट भी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज समझिए कि ये जो जे वाला लूप है उसमें मैंने करली ब्रेसेस क्यों नहीं डाला, क्योंकि किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट तो उसके साथ समझा ही जाता है। बहुत दिनों से आपको समझा रहा हूँ, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या कर देना है, रिटर्न जीरो, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो मतलब इस प्रोग्राम के लिए, मतलब इस तरह के कोड के लिए अगर एन मान लीजिए 4 है तो 1, 2, 3 एंड 4 ये जो आपको मैंने कोड बताया किसी भी दिए गए एन वैल्यू के लिए क्या करेगा, परफेक्टली वर्क करेगा। So, इस कोड से जो है आपने जो स्टार प्रिंट किया वो ये ऐसा स्टार प्रिंट कर लिया, ठीक है। एक दो अगर एन मान लीजिए 5 है तो आपने क्या स्टार प्रिंट कर लिया, इस तरीके का स्टार प्रिंट कर लिया, है ना। अगर मैं स्टार प्रिंट करने के बजाय मैं आपसे बोलूं नहीं मुझे स्टार नहीं प्रिंट करना, ठीक है, ये शेप मुझे मैंने कर लिया, ठीक है, अब मैं आपको बोलूं मुझे ये वाला शेप चाहिए, कौन सा शेप, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद देखिए कि क्या आप ये प्रोग्राम, मतलब ये जो मैंने बस इससे देखिए सेम बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज क्या हो गई यहाँ पे चेंज हो गई है। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से दिमाग लगाइए कि क्या ये आप बना पा रहे हैं, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि क्या मैं जो अब आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं तरीका, उससे आपका वैल्यू, आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है, वो देखिए यहाँ पे। तो बस मुझे यहाँ करना है क्या, अगर मुझे 1, 1, 2, 1, 2, 3 प्रिंट करना है तो बस मुझे यहाँ पे सी आउट क्या कर देना होगा, आई हैव टू डू सी आउट की जगह सिर्फ जे को क्या कर देना पड़ेगा, प्रिंट कर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जे ही जो है वो 1 से लेके 1 तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक जा रहा है। तो अगर मैंने जे को प्रिंट कर दिया तो 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही प्रिंट होते चला जाएगा फॉर में। बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या प्रिंट कर देंगे, जे को प्रिंट कर देंगे। तो मतलब सेम प्रोग्राम, ये पहला शेप हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा शेप हो गया। अब मैं आपको फिर तीसरा शेप देता हूं, मतलब मैं बोलता हूं नहीं आपको ये भी नहीं प्रिंट करना है, मुझे ये शेप चाहिए 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5। फिर से वही मैं बोलूंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से सोचिए इसके लॉजिक के बारे में कि अगर आपको ये शेप चाहिए तो कैसे आप जो है ये शेप प्रिंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से प्ले करके अब मेरा रिजल्ट देखिए, तो वो रिजल्ट ये है कि यहां पे आपको सी आउट जे के बदले क्या कर देना है, आई कर देना है बस। यहां पे सी आउट जे के बदले क्या कर देना है, आई कर देना है बस। क्यों, क्योंकि आई जो है वो जब पहली बार रन कर रहा है तो आई थ्रू आउट 1 रह रहा है, अगली बार आई थ्रू आउट 2 रह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार आई की वैल्यू प्रिंट करने का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे देखिए, इसी तरीके से बहुत सारे शेप्स निकल के आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं A, A, B, A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D और E, ये एक शेप अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। फिर बहुत लोग बोल सकते हैं एक नया, मतलब देखिए बहुत सारे तरीके से शेप हो सकते हैं, जैसे अब मैं कहता हूं 2, फिर 3, 4, ठीक है, फिर यहां कहता हूं 4, 5, 6, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, ये शेप भी मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। तो चलिए ये तो मैं आपको अभी बता देता हूं, ये आपके लिए मैं देता हूं होमवर्क, होमवर्क आप ऑलरेडी घर पे ही है, लेकिन मैं आपको ये देता हूं कि ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर ये शेप अगर आपको प्रिंट करना है तो आप ये शेप कैसे प्रिंट करेंगे। इसके लिए फिर से वही मैं कहूंगा, 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर जो है निकालने वाला, खुद से आंसर निकालिए, फिर देखिए कि आप सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। इस शेप के लिए बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको क्या प्रिंट कर देना है, आई प्लस जे को प्रिंट कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, आई प्लस जे को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ये आई से प्रिंट हो रहा था ना, सॉरी जे से प्रिंट हो रहा था ना ये, और ये किससे प्रिंट हो रहा था, आई से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई प्लस जे कीजिएगा तो 1 प्लस 1, 2 परफेक्ट, फिर 1 प्लस 2, 3 परफेक्ट, 2 प्लस 2, 4 परफेक्ट, 1 प्लस 3, 4 परफेक्ट, ठीक है, 2 प्लस 3। तो मैंने खुद यहां से भी ऐड कर करके आपको ये शेप दिया था। तो मतलब क्या है, शेप बहुत तरह के हो सकते हैं, अगर उनका शेप कुछ इस तरीके का है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है तो लूप बिल्कुल वही रहेगा, बस आपको वर्क जो करना है वो इस पे करना है कि सी आउट में आप क्या प्रिंट
करेंगे और इसके बेस पे बहुत तरीके के शेप्स जो है आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। इवन जो मैंने आपको शायद नहीं बताया उस तरह के भी शेप्स अगर आपको आए तो आप बस यहाँ सी आउट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि सी आउट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस कोड का, चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए हम जो आईडी यूज़ करेंगे वो है हमारा टर्बो C++ का आईडी। आप कोई भी दूसरी आईडीई को यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सी आईडीई को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप खुल गया ये, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो C++ पे और हमारा टर्बो C++ खुल जाएगा। और मैंने ये पिरामिड का क्वेश्चन पहले से वाइल में लूप टाइप मतलब वाइल लूप से टाइप करके रखा हुआ है ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो, जिसमें हम टाइप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका एडिशनल लग जाएगा। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको समझाया। और Ctrl F9 करते ही हमसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज, अगर मैं यहाँ देता हूँ 5 और करता हूँ एंटर, तो देखिए इसने 5 रोज में स्टार को प्रिंट कर दिया और आपको बता दिया कि ये है आपका आउटपुट। और जैसे ही आपने एंटर किया स्क्रीन तब बाहर निकल के आया है, राइट। तो ये प्रोग्राम वाइल के जरिए मैंने आपको बताया। यही सेम प्रोग्राम अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, फॉर में, तो अभी देखिए खुद अभी आप खुद से करके ट्राई कीजिए कि क्या आप फॉर से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। तो चलिए मैं तो करके दिखाऊंगा ही। अगर मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लिखूंगा फॉर आई इक्वल टू 1, राइट, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि n नंबर ऑफ रोज है, और i++, ये सारा चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर आते ही फिर से मैं फॉर का लूप लगाऊंगा और j लगाऊंगा, तो j इक्वल टू 1, राइट, j इज लेस देन इक्वल टू i एंड देन j प्लस प्लस। और फिर इसके अंदर आते ही मैं कर दूंगा क्या, प्रिंट, इट्स नॉट प्रिंट एग्जैक्टली सी आउट, क्योंकि ये C++ है, किसको करना है मुझे, तो मैं स्टार को क्या कर दूंगा, सी आउट कर दूंगा, और फिर ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक सी आउट स्लैश एन का डाल दूंगा ताकि अगली वाली जो रो आए वो क्या है, नई लाइन में है, और ये लूप बंद, राइट। से वो प्रोग्राम जो भी वाइल पे था वो कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, हमारा फॉर्म में। अब Alt F9 से हम कंपाइल करते हैं, दो एरर आ गया। अच्छा, ये स्लैश एन के बाद मैंने आपको नहीं दिया है क्या सेमी कॉलन, जिसकी वजह से आया है, ठीक है। फिर से सेव करते हैं प्रोग्राम को, Alt F9 करते हैं, Ctrl F9, मैं यहाँ देता हूँ क्या, मान लीजिए मैं देता हूँ 6, 7, व्हाटएवर। देखिए मैंने 7 रोज दिया तो इसने 7 रोज को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मतलब हमारा प्रोग्राम वाइल से भी सक्सेसफुली काम कर रहा है और फॉर से भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।